सीएस या गार्ड भेजाला। गार्ड के काम कथी बाटे, वो अपने घर के आगे जो भी आवत जावता सबसे पूछ, ये मानसी कहाँ छा, ये आदमी कहाँ गई बा, का बात बा, देखी ना पैसा ले ले बा, बड़ा फटा आदमी बाटे, बैंक के पैसा ले ले बा, देते ही नहीं खे, झूठ बोलत रहला। सिक्योरिटी गार्ड भेज दे वाला वहाँ, वहाँ चौकीदारी करे खातिर, चौकीदारी ना चौकीदारी करी तो अच्छे चीज बाटे, बदनाम करे खातिर। अब बताई कोई बदनाम होके ला कोई अपन लोन ले ले रहलक, कहे कि भाई केनहु से कर्जा पैसा खोज होने करी पहले किस्त आती। हाँ, मजबूरी में लोग ये करता है। देश के मेरुदंड होला वहाँ के अर्थतंत्र, अर्थतंत्र के मेन अड्डा होखेला देश के बैंक। बैंक के संचालन और नियमन करे वाला काम करेला राष्ट्र बैंक। अभी नेपाल में आर्थिक तरलता के समस्या से यहाँ के उद्योग व्यवसाय झेल रहल बा, यहाँ के जनता भी झेल रहल बा। अभी कुछ साल से बैंक सब अपन अपन मनपरी करके जनता के ठग रहल बा, अपना ग्राहक के ठग रहल बा, ऐसन का किस्म के आरोप विभिन्न संचार माध्यम में आ रहल बा, विभिन्न अपने के सोशल मीडिया में आ रहल बा। यह विषय पर बैंक के ठगी कौना किस्म से होला, बैंक कौना हिसाब से ठगेला, यावत विषय पर हमने के एगो अर्थविद बानी, चार्टेड अकाउंटेंट बानी, बीरगंज के ही अजय चौरसिया, और वहाँ के ऑफिस में आयल बानी सन, वहाँ के एगो ऑडिट फॉर्म भी चलावे नी, वहाँ से हमने के बातचीत करम सन कि बैंक के ही काला करतूत कौना किस्म से बा। नमस्ते, स्वागत बा अपने। नमस्कार सर, हमर नाम पड़ल अजय चौरसिया, हम पेशा से चार्टर अकाउंटेंट हई, 6 साल हो गया हमारा सी ए भैला, पहले हम NICICI बैंक ही कर्मचारी रही, ओकरा पर से 3 साल हो गए बैंक छोड़ला, अभी हम अपन काम करत हई। बैंक का छोड़ दे ना, अब अपन काम करे के रहलक। बाजार के अवस्था का बा, देश के अवस्था का? देश के अवस्था अभी बहुत ही गंभीर बाटे, लिक्विडिटी क्राइसिस बाटे, सरकार पर ध्यान नहीं देवे सकत। कम से कम नेपाल राष्ट्र बैंक जौन एगो इंडिपेंडेंट बॉडी बाटे, ओमे ओकर ध्यान जाए के चाही, मने शायद वो भी भ्रष्ट में लिप्त बाटे, ओकर ध्यान पर नहीं जाए। नेपाल राष्ट्र बैंक के काम है नियम के बनावे के, और नियम के पालना करे के, और पालना करावे के। तो पालना करावे में नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम नहीं है। बैंक से बैंक के जो संचालक लोग बा वहाँ से कहीं ना कहीं प्रभावित बा बाटे, हमरा ये चीज़ के महसूस होता। कहे से कि जौन निर्देशिका बाटे डायरेक्टिस बाय नेपाल राष्ट्र बैंक है, ओकर कंप्लायंस बैंक द्वारा नहीं होके, बैंक के जति करे के बा उहे करी, अपने कितनो चिल्लाई कितनो गाई अपने के बात कोई सुनत नहीं है। अच्छा, बैंक अभी बाजार में बड़ा चर्चा बा कि बैंक बहुत ठग रहल बा जनता के, ये सच्चाई हुए कि र्यूमर हो? सर, अब हमारे ऐसा पढ़ा लिखल आदमी जब ठगा गई बाटे, तो नेपाल में तो शिक्षित लोग के मात्रा कमे बाटे, वो लोग कितना दुखी हुई कितना पीड़ित हुई ये चीज़ के तो अनुमान अपने अपने ही लगाई। वो ठगा गए लोग? हाँ, 76 लाख रुपया लोन ले ले रही NICICI बैंक से, लिंक रोड ब्रांच से। तो मैं किस्ताबंदी लोन में क्या बाटे नू, नेपाल राष्ट्र बैंक के डायरेक्टिस में लिखल बा कि कोनो भी हालात में प्रीमियम बढ़ावे के नाम मिली। हमरा केस में प्रीमियम बढ़ावल गई बाटे के गई धोखाबाजी करके। हमरा फोन आयल बैंक से कि सर तपाई आउनुस न, एउटा पेज छुटेको छ साइन गर्नु छ, वाइफ के नाम से लोन बाटे गनी सन साइन कर देनी छ, साइन कर देनी सन त बाद में कहता तपाईको त प्रीमियम बढी सके। तो साहब मन हटाई खानी आ गेल कि के हो गए, जब नियम बाटे कि किस्ताबंदी लोन में प्रीमियम ना बढ़े सके तो प्रीमियम बढ़ के गए। जोन कागज पर सही कोई नहीं रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग कहा जाला कि जे कागज के मतलब भूत हो खेला लो, तो अपने ओबरा कागज ना पढ़नी। सर, हम सच कहीं तो ना पढ़नी कहे से कि हमारा नेपाल राष्ट्र बैंक के डायरेक्टिस पर बेसी भरोसा बाटे कि वो हमने जौन नियम बन गई बा उन नियम से विपरीत कुछ ना हो कह के। हमरा के एंग भी बैंक कल रहा कि आउनुस न तपाईको के पेज छुट्टे को साइन करना को लागे, तो भुला के मैंने धोखेबाजी में बोला के साइन करा दिला सर। तो अपने के प्रीमियम पहले कितना रहे अभी कितना बढ़ा? इसमें दो कंपोनेंट रहला, बेस रेट आ प्रीमियम। लोन तो खैर बहुत किस्म के होकला, एगो ODI या टर्म लोन EMI वाला लोन। तो ODI लोन 1 साल खातिर होकला, तो ओमे अपने के 1 साल के बाद बैंक चाहे तो प्रीमियम बढ़ा भी सकला, तो
तो ओमे हमनी के अपन हाथ ना रहला, माने किस्ताबंदी लोन में एक बेर जब प्रीमियम तय हो जाला उहे प्रीमियम जब तक ले लोन रही तब तक ले उ रहे के चाहिए। दोसर चीज का बाटे, अब हमरा केस में स्पेशल लिखल रहलक सुपर चमत्कारी घर कर्जा लेले रहनी हम, कौन चमत्कार हुए कि हमारे ये पसीना निकलता। हम हरदम हंस के बोले वाला आदमी आज देखे मुँह सूख गई बाटे। लिखल रहलक कि अगर बेस रेट बढ़े के कारण से हमर ईएमआई बढ़ता तो जितना बेस रेट रही वो से अधिका हमरा ब्याज दर ना तिरे के पड़े। नियम ये बाटे, आजू हमरा से लगभग 13% लेता रसन पैसा। पहले के अपने किस् ता कितना रहे, अभी कितना थी? 60,000 से आज 86,000 भइल बाटे। मतलब 26,000 रुपये बेसी थपाइल बाटे, या हरदम बेसी थपाते आइल बा। लगभग कहानी 2 साल से चलता, 25 साल के लोन हुए, 2 साल के बाद बढ़ा दो। ये लगभग हम बुआ था 1 साल बीतला के बाद ही अपन ही ड्रामा शुरू कर दिल सर। हाँ, मैंने नेपाल में लोन लेवल भी गुना हो गई बाटे। कम से कम व्यापारी वर्ग जितना भी कोई लोन ले ले बाटे, आज के दिन में सबके संपत्ति लगभग बेचाए वाला हालात में बाटे। संपत्ति बेचाता उतना दुख के बात नहीं है, मैंने बेचाता कूड़ा के दाम में। अब हमार संपत्ति बाटे 1 करोड़ के लोन ले ले बानी 20 लाख रुपया। अब 20 लाख रुपया हमारे से कोनो कारण से ब्याज तिराए सकत नहीं कि बाजार में व्यापार बाटे ना तिराए नहीं सकत, तो बैंक अब तो 20 लाख में बेच दी। बैंक के खाली अपना पैसा से मतलब बाटे, ओकर 20 लाख रुपया निकल जाओ ओकर सोच उतने में सीमित। उद्योगी व्यवसायी आज जनता अपने के दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा बा, बैंक मोटा रहा बा, मालामाल हो रहा, वो तो अपने के आँख से लोकते बाटे, एकरा अलावा होत कथी बाटे। आज देखी मैंने व्यापारी जन व्यापार करता, व्यापार आदमी कहला पैसा खातिर, जे आदमी पैसा खातिर व्यापार करता ओकरा लगे ब्याज तिरे के पैसा नहीं खे। आ जन सरकारी नौकरी वाला लोग बारह लोग नेता लोग बारह लोग वही लोग सब संपत्ति किनता। ऐसा अपने आरोप आज मतलब NIC एशिया बैंक छोड़ दिल बने ओके चलते तो आरोप नहीं लगा रहा। देखिए हमरा लगे तो सब प्रमाण बाटे, अब डॉक्यूमेंट बाटे, हम जितना भी चीज़ बोल बने डॉक्यूमेंट में लिखल बाटे। तो हमरा बड़ा तकलीफ लागल दुख लागल, तो बैंक में गई नहीं BM से भेंट करनी, तो उतना रिप्लाई ना दिल लोग, आ लोग के बिना लागल कि हम इतना दूर तक जाएँ कह के। तो हम वीडियो भी पोस्ट करनी हमें जैसे कि 22,000 से बेसी लोग देख ले बाटे। तो देखला के बाद अपनी तंगा से आँख में लाज लागल, तो बोले सन हमरा के कि तपाई को हमी आज बाट तपाई को जे उचित जे हुनु पर्ने हमी तो गर दिन्छ, जे उचित छ त्यो गर दिन्छ। एकर मतलब इससे पहले उचित ना रहलक, ये चीज खुद स्वीकारता। हम कनी के हेर्नुस् तपाईले मलाई ठग्नु भएको छ 2 वर्ष अगाडि देखि, त मेरो 2 वर्ष अगाडि देखि तपाई ब्याकडेट बाट मेरो जे हुनु पर्ने त्यो गर्दिनुस् ना मान। ओकरा पर्छ कोही फोन उठाओ त, अब जानी बैंक में ब्रांच मेनेजर लगे तो कला कि तपाईको मैटर माथि पुगिसकेको छ, माथि कुरा गर्दिनुस् कोसँग, त अर्जुन खानिया सरसँग। ओकराको फोन गर्ल जाला 10 बेर फोन करे नि फोन ना उठल, तो हम जाई त जाई कहाँ? अब राष्ट्र बैंक ना गए, नेपाल राष्ट्र बैंक में बकायदा हम अथी कर ले बानी, कंप्लेन कर ले बानी, बकायदा हमारे लगे कंप्लेन के अथी बाटे। तो आवेदन दे ले बानी कि ईमेल? हाँ ईमेल, अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना बाटे। देखी सर अब हमरा खातिर पॉसिबल नहीं कि हम काठमांडू जाए, यहाँ से आई जाए, काठमांडू आए जाए लाग बा अपने लगे दुख पोखे लाग, हम थोड़े लोन ले रहनी। हम सोचते लोन लेता नहीं, हम घर परिवार चलिए आराम से, हम तीर जिंदगी जिए आराम। राष्ट्र बैंक ओर से कोनो एक्शन नहीं है? नेपाल राष्ट्र बैंक देखिए हमरा ये मजबूर कहे के पड़ता, कहीं ना कहीं NIC के NIC एशिया पर ओकर एगो दोसर दृष्टिकोण बाटे। हमें जब कंप्लेन करनी फेसबुक मार्फत, तो नेपाल राष्ट्र बैंक के अथी भी आई नियम चेंज होके आई कि जौन जौन बैंक एक्स्ट्रा प्रीमियम ले ले बाटे सब बैंक अपन फिरता कर देव। तो बहुत बैंक प्रीमियम अपन फिरता कर भी दलक जौन गलत तरीका से असूल कर ले बाटे, मने NIC एशिया ही बैंक बाटे जौन फिरता नहीं कर ले, कहीं ना कहीं माल पानी खियाओ तक राष्ट्र बैंक। अभी तो लागत ये बाटे कहा ओकरा पर नेपाल राष्ट्र बैंक के ओकरा पर कहा अलग दृष्टिकोण बाटे, आशीर्वाद बना आशीर्वादे बाटे दोनों ओर से बाटे, मिलो मिलो मत बाटे। जब अपने हैसन पढ़ल लिखल एकदम इंटेलेक्चुअल आदमी CA साहब बानी रहुआ कहीं ना, आज अपने पानी पी रहल बानी एकदम, पानी पिया देले NICSEA उनके पानी पिया देले बा। तो आम जनता के कहा? आम जनता के देखी 1 करोड़ के ओकर इनके संपत्ति बा 20 लाख में बेचाया जाता, आ किनी लोग के तो जगह लगे पैसा बा, नेता लोग लगे वही लोग किनी आँख से लोकता, कितना आदमी सुसाइड करता, कितना आदमी सुसाइड करे पर मजबूर बाटे। हमर जब पैसा लोग बा NIC से जब हमर दुख बाटे जानी,
तो भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् तपाईँको कुरा माथि पुगिसकेका छ। तब ओकनिके जब एक दिन ओभर ड्यू होकला एक दिन नातिर सकेँ तो दिन में कम से कम 30-40 फोन आई, हरेक लोग फोन करी आ बिहान भैला गार्ड पहुँच जाए घर। एने कागज आना धुन साइन करेला तो आदत बाटे, ये आदत हमने के छोड़े के पड़ल, हमने कहीं जानी सन। अच्छा लिखा पढ़े वाला काम में विश्वास ना, आज हम लगभग कहीं विश्वास नहीं कर ले बानी कि हमारा ये दिन देखे के पड़ता। हमारा ऐसा पीड़ित होके के संख्या कम से कम हजारों लाखों में बाटे। एना ऐसी ऐसी ऐसे जे भी आदमी लोन ले ले बाटे, ओकरा बीपी बाटे, ओकरा शुगर हो गई बाटे, ओकरा रात के नींद देखे लागत। एना ऐसी ऐसी कर्मचारी रात के 10 बजे फोन कर लसन, सबरे 4 बजे फोन कर लसन, गार्ड रहला वही जाने रास्ता में तलेम, रास्ता में ओकनी रोके पूछी असन। एक आदमी में क्लाइंट बानी वहाँ के लोन ले ले बानी, वहाँ रहनी 3 महीना से अस्पताल में, बैंक चिट्ठी ले जाके अस्पताल में देले बाटे कि तपाई लिनु सियो। आई बैंक के स्टाफ के ये स्टेटमेंट हो कि तपाई संग उपचार ग्रहण पैसा छ तर बैंक लाई तिर्ने पैसा छैन, बताएं ई स्टेटमेंट क्या मतलब हो गया। हम अपन जान बचाएं कि अपन जाके हम लोन तिरी, ये तो कहते धांधली बाटे हो। बैंक छोड़े में कुछ कठिनाई बा का, कुछ दिक्कत बा का? दिक्कत बाटे न, अब मान ली हमें 76 लाख लोन बाटे, तो पहले हम 76 लाख पैसे कहीं से लिया के चुकता करें, तो 76 लाख रुपया हमारे दी के हम ले जाकर चुकता करें। दी तो एहरा के डेरा अपनी ब्याज जोड़ल असन, 76 लाख रुपया के एक दिन के 76 रुपया के व्यवस्था करे के पड़ी। इन्हें फुकवा कराओ, उन्हें रोका कराओ, फिर इंजीनियर आई और वैल्यूएशन के 4 द, और कम से कम हमारा 10-20 बेर हमें दौड़े के पड़ी। तो ये सब चीज़ हम उन्हें कहते हैं हम कठिनाई भोगेला लोन लेने का।